हाँ शांत रहिए। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है रिजेक्शन इन वाउचर। शांत रहिए। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है रिजेक्शन इन वाउचर। अगर किसी कारणवश, ध्यान से देखिए, अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे बिलिंग से पहले ही। हमारे कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया, हमने गुड्स भेज दिया, लेकिन बिलिंग से पहले उसने मुझे गुड्स वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी रिजेक्शन इन वाउचर में। लिखा है, वंस आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बाय द कस्टमर, दे विल चेक द गुड्स क्वालिटी एंड इट्स स्पेसिफिकेशन एज पर द सेल्स। देन इफ देयर इज एनी मिसमैच इन द स्पेसिफिकेशन डिफाइन इन द सेल्स ऑर्डर आर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड इज नॉट गुड, देन द गुड्स आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाई द कस्टमर। ए रिजेक्शन इन वाउचर यूज टू रिकॉर्ड गुड्स डेट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाई द कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे दे रखा रिजेक्शन इन वाउचर। बोला जा रहा है एज ऑन 2 मई 2018 हैती इलेक्ट्रॉनिक्स रिजेक्टेड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम बिकॉज द स्टार्ट बटन इन द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग। यानी वॉशिंग मशीन का स्टार्ट बटन काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए हैती इलेक्ट्रॉनिक्स ने वापस कर दिया। हेंस रिजेक्टेड द गुड्स अगेंस्ट डिलीवरी नोट एंड द ट्रैकिंग नंबर 1 रिकॉर्डेड ऑन 2 मई 2018। हमने वॉशिंग मशीन हैती इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था, लेकिन उसका स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा था, इसलिए 3 मशीन उसने वापस कर दिया, जिसकी कीमत थी 18,000 रुपये। 54,000 रुपये का प्रोडक्ट हमारा वापस आ गया, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी रिजेक्शन इन वाउचर में। तो सबसे पहले हम विंडो डी से मिनिमाइज करेंगे और यहां से हम आ जाएंगे टेली प्राइम पर। हम एजुकेशन मोड में आ गए और यहाँ पे हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। हमारी कंपनी यहाँ पर है 10.1। हमें वाउचर में जाना है, F10 से अदर वाउचर में जाना है, सो इनएक्टिव में जाना है और यहाँ हमको मिलेगा रिजेक्शन इन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl F6। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूछेगा एक्टिवेट करना चाहते हैं, हम यस कर देंगे, ये वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। लेजर अकाउंट नेम पूछा जाएगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। नेम ऑफ आइटम, कौन सा प्रोडक्ट वापस हो रहा है, सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पूछा जाएगा ट्रैकिंग नंबर बताइए, ये ट्रैकिंग नंबर होगा हमारा 1, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 1। गोडाउन हमारा हो जाएगा, कितना पीस वापस हो रहा है, 3 पीस, हम सेलेक्ट कर लेंगे 3। रेट हो जाएगा 18,000 के हिसाब से 54,000 रुपये और ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा वापस। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इसको हम लिंक कर लेंगे वापस। तो ये गुड्स हमारा रिजेक्शन इन वाउचर के माध्यम से अपने कस्टमर से ये गुड्स हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अब अगर सेल्स बिल पेंडिंग में हम जाएं तो हम देखेंगे यहाँ क्वांटिटी पहले 25 थी, लेकिन चूंकि 3 पीस वापस हो गया इसलिए यहाँ पे दिखाई देगा केवल 22। तो इसके लिए हमें सर्च करना है, हम गो टू पर आ जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे सेल्स बिल पेंडिंग। ये देखो और यहाँ पे इसकी इनिशियल क्वांटिटी 25 बता रहा है, लेकिन पेंडिंग क्वांटिटी 22 बता रहा है, क्योंकि 3 पीस हमारा ऑलरेडी वापस हो गया। बस में आया ना, क्योंकि 3 पीस हमारा वापस हो गया, इसलिए बस में आ रहा ना। तो ये वापसी की कंडीशन।
अब है सेल्स वाउचर, इसके बाद हमें अपने कस्टमर को सेल करना है, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि 6 kg टॉप लोड का 25 पीस आपने भेजा था, लेकिन 3 पीस वापस आ गया, इसलिए बिल कितने का बनाना है, 22 पीस का। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आप सीधे आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे या फिर एड से सेल्स वाउचर, रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो रेफरेंस नंबर इसका हो जाएगा 15, पार्टी का नेम है ती इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैकिंग नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे 1 सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, ऑटोमेटिक यहाँ 22 पीस और ये 25 पीस दिखने लगेगा। ये 22 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3 पीस हमारे कस्टमर ने हमको वापस कर, भाई हमने 25 का ऑर्डर दिया, 25 हमने उनके यहाँ भेज दिया, लेकिन उसने 3 पीस हमारे लिए वापस कर दिया, अब बचा कितना 22, तो 22 का बिल हमको बना के देना है, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परचेज। अब उसके बाद हमारा एक सेल्स और है, ठीक है, बोला जा रहा है श्री देवी इंटरनेशनल रिकॉर्ड द सेल इनवाइस अगेन, डिलीवरी नोट ट्रैकिंग नंबर SO02 रिकॉर्डेड 2nd मई। ठीक है, तो हम आ जाएंगे सीधे कहाँ पर, हम सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, रेफरेंस नंबर यहाँ दिया है 16, हम रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे 16, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे मेना इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैकिंग नंबर 2 हो जाएगा, ये बिल देखो हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, 30 पीस जो है टॉप लोड है और 25 पीस फ्रंट लोड है, ये टोटल बिल हमारा बन के तैयार। यहाँ मेना इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम नहीं लिखा गया है, लिख लीजिए, नहीं तो फिर लैब में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सेल हमको किसको बना के देना है, मेना इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 सेल्स की एंट्री हो गई, अब आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है, हैती इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 12,71,000 रुपए दे रहा है, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, देने वाला क्रेडिट होता है हैती को सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में हम 12,71 वाला इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और डेबिट कर देंगे हम कोटक महिंद्रा बैंक, और यहाँ पे चेक नंबर वगैरह भर के हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई, फिर मेना से आपको 15,40,000 रुपये रिसीव हो रहा है, आप इसकी एंट्री कर लेंगे, देने वाला क्रेडिट होता है मेना इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लीजिए, 15,40,000 रुपये डेबिट कर देंगे कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब हमको हेडिंग नंबर 3.4 पर आना है, यह ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देखिए, इन टैली प्राइम वंस आफ्टर रिकॉर्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑर्डर वी कैन चेक द डिटेल लाइक इफ एनी पेंडिंग ऑर्डर आर डियर टू बी कंप्लीटेड इन द स्टॉक ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को हम जो है बोल, सबसे पहले मैं चेक कर लेना सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसको हम ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज है, लेजर वाइज है, ऑल ऑर्डर, ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना है। तो हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और ये हो जाएगा सेल्स आउट आउट ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ हम ग्रुप वाइज निकाल सकते हैं, हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया LG वाशिंग मशीन, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिख रहा है, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं फ्रंट लोड और टॉप लोड का, देखो टॉप लोड का एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग दिख रहा है, सैमसंग 6 kg टॉप लोड,
जो 3 पीस वापस हो गया था वही 3 पीस यहाँ पेंडिंग दिख रहा है। सिस्टम ये समझ रहा है कि 3 पीस हमारे कस्टमर ने वापस कर दिया, यानी ये हमको 3 पीस अगेन हमको भेजना है। टॉप लोड में जाएंगे, फ्रंट लोड पे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, केवल टॉप लोड जब कैटेगरी सर्च करेंगे 3 पीस आपको दिखाई देगा। स्टॉक आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको Samsung 6 KG टॉप लोड जाएंगे तो आपको 3 पीस दिखने लगेगा, क्योंकि 3 पीस उन्होंने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, इसलिए 3 पीस आपके ऊपर ड्यू दिखा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ग्रुप वाइज जाएंगे और ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सनडे डेटर्स, यही 6 KG टॉप लोड के लिए दिखा रहा है कि 3 पीस अभी भी आपका पेंडिंग है। ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं, लेजर वाइज चेक कर करते हैं, हैती इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ भी आपको दिखाएगा Samsung 6 KG 3 पीस। तो वही चीज आप कई जगह से चेक कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, ऑल ऑर्डर क्लिक करेंगे तो ऑल पेंडिंग आपको दिखाई देने लगेगा कि हमारा केवल एक ही ऑर्डर पेंडिंग है जिसकी क्वांटिटी 25 पीस थी, लेकिन इसमें से 3 पीस अभी हमारा बैलेंस दिख रहा है। बस में आ रहा ना, ये रिपोर्ट्स है, इन रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर में आपको केवल सारे ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे। और एक चीज और है, ऑल ऑर्डर को जो आप चेक करेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल में आपको दिखाई देगा। आप अल्ट F1 प्रेस करिए, पूरा डिटेल में दिखाई देगा कि देखिए पहले हमें 25 पीस का ऑर्डर मिला, फिर 25 पीस हमने डिलीवर कराया, फिर 3 पीस रिजेक्शन हो गया और 22 पीस का बिल बना के हमने दे दिया। ये पूरा का पूरा यहाँ साइकिल हमको दिखाई देगा। तो बस ये जो 3 पीस वहाँ रिजेक्शन हुआ था वही 3 पीस हमको यहाँ पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि इसकी इनिस ऑर्डर क्वांटिटी थी 25 और हमने केवल 22 भेजा था, 25 भेजा था, 3 वापस आ गए, वही 3 हमारा पेंडिंग दिख रहा है। अब यहाँ पे दे रखा है ऑर्डर एनालिसिस, यहाँ पर हम ऑर्डर का एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली, वहां पर भी आपको यही सेम चीज दिखाई देगा, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाला है। अब एक रिपोर्ट है ऑर्डर एनालिसिस ड्यू ओनली, आप गो टू पर आ जाइए, गो टू पर आने के बाद आप यहां सर्च करिए ऑर्डर, यहां पे आपको सारे ऑर्डर दिखाई देने लगेंगे। आप सो मोर पे क्लिक करिए, हाँ एक चीज और है, जो हमने रिपोर्ट निकाला था यहाँ पर सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली पे जाके, अगर उसके हम कॉन्फिगर में आ जाएं, ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग द बैलेंस क्वांटिटी ऑफ द डिलीवर्ड एंड 3 नंबर्स बिकॉज यू रिकॉर्डेड रिजेक्शन इन बाउचर फॉर द गुड्स रिजेक्टेड बाय द कस्टमर 20 अगस्त 2020, यू कैन प्रेस F12 कॉन्फिगर। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सो क्लियर सेल ऑर्डर, तो ये आपको क्लियर वाला दिखाएगा, सो गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव ऐसा भी दिखाएगा जिसका आपको ऑर्डर ना मिला लेकिन गुड्स आपने भेज दिया हो, सो आउटस्टैंडिंग आप परचेज ऑर्डर भी आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, और सो क्लियर परचेज ऑर्डर ETC, ये सब हमको दिखाएगा। तो हमें हमें आ जाना है गो टू पर, और गो टू पे आने के बाद पहले हमें इस रिपोर्ट को ओपन कर लेना है सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे सेल्स ऑर्डर, ये देखो सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। अब यहाँ F12 से कॉन्फिगर में जाना है, अब
देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर यस कर दिया गया है, क्लियर्ड, ऐसे ऑर्डर जो क्लियर हो चुके हैं, जो ऑर्डर मिला और आपने प्रोडक्ट भेज दिया। गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, परचेज आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, क्लियर परचेज ऑर्डर, ये सब आप यस कर लेंगे, कंट्रोल ए से करेंगे सेव, तो पूरा आपको पेंडिंग अलग अलग दिखाई देगा। पहला आपको दिख रहा है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऐसे ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपके ऊपर क्या है, बकाया है। और यहाँ पे दिख रहा है सेल्स ऑर्डर क्लियर, ये आपने दो ऑर्डर क्लियर कर चुके हैं, जो ऑर्डर आपको मिला और आपने प्रोडक्ट भेज दिया क्लियर हो गया। परचेज ऑर्डर क्लियर, ये आपने परचेज ऑर्डर दिया था और ये प्रोडक्ट आपको रिसीव हो गया, इसलिए परचेज ऑर्डर भी क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से क्लियर वाला हम चेक कर सकते हो। अब है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसे में चेक करना है, तो सेम स्किप से वापस जाएंगे और यहां सेलेक्ट कर लेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इसको भी ग्रुप वाइज हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई पेंडिंग नहीं है। कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज चेक कर सकते हैं, ग्रुप लेजर वाइज कर सकते हैं, ऑल ऑर्डर में जाकर सारे ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। अगर कोई बकाया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन परचेज में ऐसा कोई केस था नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक है प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर। प्री क्लोजर, ध्यान समझिए, इन आवर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू माइट हैव टू प्री क्लोज द ऑर्डर बिकॉज द रीजन लाइक। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, हमारे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया, इसके पहले हम उसको गुड्स भेजते, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसे बोलते हैं प्री क्लोजर। लैक ऑफ स्टॉक, आपने ऑर्डर रिसीव तो कर लिया, बाद में आपको पता चला कि इसका स्टॉक ही उपलब्ध नहीं है, ये आइटम उपलब्ध नहीं है, तो आपने खुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोला भैया उपलब्ध नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा आपको। फिर लेस क्वांटिटी लेफ्ट, सामने वाला आपको ज्यादा डिमांड कर रहा था ना, और आपके पास क्वांटिटी उसकी कम है। चौथा है गुड्स रिटर्न ड्यू डिफेक्ट आर स्पोलेज, इन सब कंडीशन में हमारा ऑर्डर पहले ही क्लोज हो जाता है। इसको चेक करना है अगर, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना है, और यहाँ ऑल ऑर्डर में जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्री क्लोजर के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए गो टू पर और यहाँ सर्च कर लिए परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, और यहाँ पर आपको जाना है प्री क्लोज ऑर्डर। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर होगा तो प्री क्लोज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप लोगों में दिखाई देगा, चूंकि आप लोगों में है, हमारे वाले में नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने इसका एंट्री नहीं किया। तो आज यहां तक आप करिए, बाकी कल आपको बताया जाएगा रीऑर्डर लेवल 3.3 3.4 करिए, कल आपको बताया जाएगा 3.5।